चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हम तो गिरेंगे लोग जल में या कहीं में भी, और बक्से में सारी उनकी पाऊंगी। लेकिन कब तक चलेगा ये बक्सों वाला मामला, अगर आप जनता को ऐसा लगता है? यू जब तक चलेगा, जब तक अंधभक्त रहेंगे लोग। देश का प्रधानमंत्री और वो लाल किले पे खड़ा होकर नुकहता हो, और भाई हम तो 14 दिन में पेमिट करवा देंगे, और वो कुछ भी ना करवाता हो लोग कुकर यकीन करेंगे ऐसे का। 500-400 रुपये बिका, इसमें बताओ तेल गिरवाऊँ या घर का खर्चा चल रहा है, क्या चल रहा है, बचत तो रही अलग। सीसीए में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के जिला शामली में है, और जिला शामली की ये कैराना लोकसभा सीट है। हम आज हैं यहाँ जिला शामली के गांव मलंडी में, और यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या लोगों की राय है, और हमारे बीच कुछ किसान हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किसानों को लेकर सरकार जो है उनका काम कैसा रहा है। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम? अजय चौधरी जी। अजय भाई, हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर, लगातार चर्चा हमारी जारी है। आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र में कितना काम हुआ है सरकारों का, या 5 साल में 10 साल में? 10 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ इस क्षेत्र में। वो काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे भाजपा का विधायक नहीं है। अगर वो विधायक होता भाजपा सीट से तो थोड़ा बहुत काम हो जाता, बाकी कुछ नहीं हुआ। ये पता नहीं उसकी नीति में कुछ आ या नहीं आ, वो जाना विधायक। आपके यहाँ जो सांसद है प्रदीप चौधरी जी कैराना से, कभी गांव में आए या कभी चर्चा हुई, बातचीत हुई? नहीं, मैं तो गांव आते हैं चले भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं, आते हैं। पर उनका आने का फ़ायदा क्या है जब कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा गांव वालों को? बताओ, क्षेत्र वालों को कोई फ़ायदा हो तो बताओ, एक फ़ायदा बताओ कि हो रहा। आसपास कुछ विकास हुआ हो आपके गाँव में, कुछ इस तरह के भाई स्कूल अस्पताल, इस तरह की सड़कें या इस तरह की चीज़ें? हमारे गाँव में जो है पहले ही है, जो कुछ है स्कूल भी पहले ही है, असल के जो मिल रही है पहले की है, 5 साल से तो कोई टोला लगा नहीं कहीं। अगर किसी ने कहीं लगवाया हो मैं बताओ, हमारे सामने दिखाओ कि यह लगवाया गांव में, या ये सुविधा दी, या स्टेडियम कैसे कि बच्चों का ठीक करवाऊंगा, उसमें जो एक किसी ने मैट भी गिरवाई हो कहीं, वो दिखा दो, कोई एक चीज़ दिखा दो, हम मान जाएंगे हाँ एक काम करवाया। एक काम और करवा रखा न तो किसी के घर वो भिजवाते वारंट, अगर किसी का कनेक्शन कटना उसके पहले उसे चेतावनी दी जा, कोई चेतावनी नहीं, जब बिजली वाले आए जब काट जा, चाहे किसी का बिल जमा हो ना हो, मन मर्जी चल रही। लेकिन योगी सरकार ने तो अभी पीछे कहा था कि किसानों की बिजली फ्री कर रहे हैं, योगी कुछ ऐसा हुआ? सुनो तो, योगी सरकार ने तो एक चीज़ और कही थी कि हर 5 साल में नौकरी दूंगा, 7 साल तक मुझे बता दो कोई भर्ती निकली हो, सारे यूँ तू ही फिर रहे थोड़े दिनों में बेचारे, इन्हें नौकरी मिल जाएगी नहीं, सड़कों पर चोरी करते ही फिरेंगे। किसानों के लिए कैसी रही सरकार, 10 साल पूरे हो रहे हैं मोदी सरकार से? बहुत अच्छी रही, मील बंद हो रहा है, अब लोग का चालू नहीं है, ऐसा चीज़ सरकार और के लेंगे, पेमेंट पिछले का पता नहीं, अगले जो गंडा का उसका तो पता ही नहीं, तो इस तब सरकार की होगी। तो मील का क्या हाल है, मतलब पेमेंट को लेकर? पेमेंट मील वाले ने तो ये कहा कि पिछला तो मैं देने का ही नहीं, और जो अगला है वो गंडे अपने भरोसा गे रहे हो, रोज बैठोगे किसान यूनियन की भी उनकी भी हो, इब जिनकी जेब गर्म हो जाए अपने घर चले जा रहे पहले का, बाकी आम पब्लिक छूतिया। क्या लग रहा है इस सीट पर, क्या लग रहा है इस सीट पर? इस सीट पर तो ये है देखो, हाँ और का तो हमें पता नहीं, हम तो जाएंगे अजीत सिंह के गाल, और का हमें पता नहीं, चाहे मैडम था कोई भाजपा बजाओ चाहे किसी पर जाओ, लोकदल। हाँ बाबा जी, क्या नाम? मेरा नाम मंगेरा मारी है। अभी पूरे देश में लोकसभा चुनाव की चर्चा चल रही है, तो आपको क्या लग रहा है, कैसा काम लगा मोदी सरकार का 10 सालों का? भाई हमने तो देखे कितने दिन तो देख रहे हैं, भाई तो नाश कोई और करेगा, ये तो ऐसा आ गया, इसका बेड़ा गर्क करेगा इस देश का, चले जाएगा। तो कुछ विकास हुआ नहीं आसपास हमारे इलाके में? तो मेरा भाई हुआ नहीं कोई विकास नहीं हुआ। बोला भाई विकास ये तो हुआ, बेचारे किसान है, कोई बीमार है, कहीं शादी भी उल्टी अटकी बहुत सुखी तो बेचारों की, बोला भाई बीमार बच्चे फिर है, फीस नहीं गई बच्चों की, उनके नाम कटल नगर स्कूल में थे, ये यू तो इसने भाई मोदी ने करा भाई, हाँ जी भाई, और के पूछो इनका तो बिल्कुल बेकार ही रहे हैं, तो सर होते तो सब। लेकिन वादे तो इनके काफ़ी थे भाई, हम किसानों के लिए कर रहे हैं भाई, भुगतान 14 दिन में देंगे, बिजली फ्री करेंगे, इस तरह की चीज़ें। हाँ भाई झूठ बोल रहे थे जी, मैं नहीं नू होगा नहीं सर, हम तो
मतलब ये कितना बड़ा प्रधानमंत्री जो सारे राष्ट्र का मतलब देश का प्रधानमंत्री और वो लाल किले पर खड़ा होकर नुकहता हो और भाई हम तो 14 दिन में पेमिट करवा देंगे और वो कुछ भी ना करवाता हो लोग कुकर यकीन करेंगे ऐसे का फिर पूछने की बात ये बात रहेगी। हाँ फिर के रहेगा राजा ही ऐसा है प्रजा की करेगी। ये कहते हैं बाबा जी कि 2022 में किसानों की आय दुगनी कर देंगे, ऐसा कुछ हुआ किसानों के? हुआ, दुगनी कर देंगे, 1% रहेगी सो में 99 खाएगे, गवर्नमेंट खाएगी, किसान नहीं छोड़ दिया, किसान खत्म कर दिया बिल्कुल। बिजली का कहते हैं बिजली फ्री मिलेगी किसानों को, बिजली फ्री मिलेगी, हाल है गांव में किस तरह की व्यवस्था है? हाँ बिजली फ्री मिलेगी, जो मतलब 30 रुपया आस पास थी या 50 थी 10 और बढ़ा दिए, यू काम करा फ्री तो के और बढ़ा दिए। कहीं आम आदमी के भी कई मुद्दे होते हैं, महंगाई का, रोजगार का, इनमें किस तरह के काम हुए? महंगाई का कितना भाई? भाई एक बात है, हमें तो कुछ देखे दिख नहीं रहा है यहाँ से, किसान हम तो किसान है और का हमें पता नहीं, पर किसान तो बहुत दुखी है। तहसील शामली जो है, भला जी तहसील जो शामली है, थाना भवन विधानसभा जो है यह बिल्कुल खत्म है। तो लोकसभा में बनेगा इनका कुछ इस बार भाजपा का? भाजपा का हाँ क्यों नहीं, इनका ही बनेगा, बक्से में मिल्टू में कर देंगे तो काम, इसमें की कहीं नहीं की बात है, तो सारी जान है और समझते के पूछे, हम तो कह रहे हैं लोक दल में या कहीं में भी और बक्से में सारी उनकी पाऊंगी। ये तो कह रहे किसान तो हमारे साथ है, हम सम्मान निधि दे रहे, 2 मिनट का काम है उनका तो। हाँ भाई मानना करे, हाँ बेईमानी है, चाहे मुँह पर कुआरे लिया मोदी को मुँह पर कह देंगे, हाँ बेईमान पक्के, इनका पक्का कोई बेईमान नहीं है। पहले जैसे गांव से बच्चे चले जाते आर्मी में नौकरी में, अब गए पिछले कुछ 10 साल तक कोई नहीं गया, ये भी 4 महीने की आर्मी पार्मी की कर दी, अग्निवीर कर दी, हाँ 4 साल किया बस इसमें गए 5-4, हाँ मेरे काम में तो गए। हाँ जी महंगाई एक बड़ा मुद्दा रही है देश में, अभी क्या स्थिति है महंगाई की, आपको क्या लगता है पिछले 5 सालों में 10 सालों में कितनी चेंज हुई है? पिछले 10 सालों में जो चीज़ 2 रुपए की थी अब वो 100 रुपए की है, महंगाई तो है ही। दूसरी बात, पहले रोजगार मिल जाते, अब रोजगार नहीं है, तो इसलिए आम आदमी हर कोई परेशान है। लेकिन रोजगार कह रहे, रोजगार मेले लगा रहे हम, लोगों को नौकरियां दे रहे, किंग लग रहे मेले, खेत में तो लग नहीं रहे मेरे भाई, अरे इनके घरों लग रहे हो, पता नहीं। चलो जैसे महंगाई है भाई, किसान खाद आता है, बीज आता है और भी सारे कई तरह की चीज़ें आती है, दवाइयाँ आती है, उनमें कितनी बढ़ोतरी हुई, उनमें फ़ायदा मिला है सरकार से कुछ किसानों को या फिर महंगाई में ही दबा? भाई हमें तो फायदे का और बिना फायदे का एक बात का बता जी, मेरे पास पैसा होगा तो हम सब कुछ खरीद लेंगे जी, मेरे पास पेमिट ही नहीं आ रहा पिछले साल का, हमें के खरीद लेंगे हम, और के हम खर्चा कर लेंगे, के बच्चे को पढ़ा लेंगे। फसल में भी दिक्कत हो रही होगी, मतलब दिक्कत यह है फसल में डाई नहीं पिट रही और मील चलने के कारण गन्ना नहीं निकल रहा, गेहूँ नहीं बूरे, ये नुकसान ही है। किसान दुखी है जी, बहुत ही बहुत दुखी है, बहुत किसान मजदूरी भी नहीं जाती, मजदूर बाहर आगे खड़े रहे हैं जी, और मजदूरी कहाँ तक दे बता जी, जब ऊपर तब हमें कुछ दे नहीं रहा, और दुकान में उधार लिया गया तो वो भी हमारा तो खत्म हो गया, क्यों हमारे जी जब पड़ेगा क्यों 20% कम बह जाएगा, उधर इन पर सब पड़ेगा, कहाँ से देंगे नहीं इकट्ठे और भर ले जा। ये तो कह रहे हम तो राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, क्या होगा उससे, कोई नहीं मानता दशक भाई। एक बात है, फ्री तो कुछ भी सौदा हो, हम नहीं कहते भाई फ्री बिजली दो दो, नियम तो दे दो भाई, दे दे फ्री में तो कुछ भी दो तो देश का नाश है, चाहे घर का नाश है भाई। किसान तो कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था में भाग लेता है, एक अच्छा वो करता है। नहीं भाग लेंगे, हिंदुस्तान के हित में है, हिंदुस्तानी है हम, इसके हित में है, लड़ेंगे मरेंगे, इन्हीं के नहीं लड़ेंगे, कोई बाहर का आने का फिकर चार खेड़े। तो 10 साल में मोदी सरकार किसानों के लिए कैसी रही आपके हिसाब से? किसी उससे बुलाया था उसके मुंह पर बता दूँ मैं किसी रही इसका प्रधान बेकार प्रधानमंत्री यार लोग बने था। आम आदमी है, महंगाई का क्या असर है? महंगाई की तो बात ही है भाई साहब, हम भी ये तड़की चलते हैं लिकट के फेरी पे, जो मेरा पहले बिक जाता था ना, मैं भी से 20 साल तक रहा काम, वो जो पहले बिक जाता इन 5-7 साल मारा तो बिकते नहीं, नो ही आवर नो ही चले जा, क्या है तो ले लो कुछ, क्या लगा पीछे नहीं है,
देख तो लिया दिया बाबा को 35 रुपये का रहा, 35 का ही पकड़ा दिया। मतलब क्यों पकड़ाया, तेल भी गिरवाना इसमें, तो ये सारी जमा ही निखाई जा रही सारी, तो लोगों द्वारा जमा, हम तो इनके किसानों द्वारा ही नहीं बिके, हमारा जो बिके। कपड़े पे GST लगाया आपको, इस चीज़ों से दिक्कतें हुई? हाँ दिक्कत ही हुई, महंगा पड़ा और कपड़ा आगे दे सामान तो इतना महंगा नहीं बिक पाता हमारा सामान, जो GST लग रही है उस तो फिर महंगा नहीं बिक पाता हमारा। जैसे महंगाई है लोग खरीद भी पाते? बहुत कम जी, बहुत कम। देखो पेंशनों का नहीं है मेरा, क्या बिका 500-400 रुपये बिका, इसमें बताओ तेल गिरवाऊँ या घर का खर्चा चल रहा है, क्या चल रहा है, 72 ही अलग बस जी। समस्या है आम आदमी को, समस्या ही आम आदमी को। किसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी एक और समस्या है, मोदी सरकार ने जो बछड़े छुड़वाए थे, अब गौ हत्या ना करो, इतना 20 साल पहले भी इनका संघर्ष हो जाती, बिना कुत्ते खावे हत्या तो मैं भी कर रहे, चलो पहला तो था हत्या खुलवा रखे थे, बी लाइसेंस है, लेकिन ये कह रहे गाँव साला बन रही है, गाँव सेंचुरी। मेरी ख्याल चल, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, सत्य मेरी ख्याल चल, हमारे यहाँ भी है गौशाला, मैं उसमें एक पिलर खड़े हुए दिखा था, उसके पैसे कहाँ गए? अगर कोई इनका ब्यौरा ले, चाहे वो प्रधान हो चाहे कोई हो, जिसके राज में वो बनी हो वो ब्यौरा दे दो। तो लोकसभा में हवा बदलेगी इस बार? देख हवा तो मामा पता बदल रही, बक्सुमा नहीं बदला करती। लेकिन कब तक चलेगा ये बक्सो वाला मामला, अगर आप जनता को ऐसा लगता? यू जब तक चलेगा, जब तक अंधभक्त रहेंगे लोग, पढ़े लिखे ज्यादा बुरा फिर, क्योंकि उन्हें अपना अपना सोच रहे हैं, वे अगले पीढ़ी का नहीं सोच रहे, अगली पीढ़ी उनकी साड़ी भूखी मारेगी, मैं भले ही मजा ले लियो, तो वे अपना अपना सोच रहे दूसरे का नहीं। वो एक काम इस पार्टी का अपना भरा तो सब कुछ भरा, नहीं सब खा ली। तो इस सीट पे क्या लग रहा आपको, कहाँ टक फाइट रहोगी या टक्कर? सुनो इस सीट पर तो इतनी टक्कर होगी, अगर वो सोच नहीं सकता, पहले दिखा रही थी टक्कर। ये 200 करोड़ 800 करोड़ 1 लाख करोड़ रुपये पकड़े हैं, अरे हमारे 2 रुपये के अंडे के जी जाते हैं इन पर सरकार पे, कहाँ जावे रुपये हैं, छापे मारे पकड़े कि नहीं पकड़ते, समझो पचास सारा कहाँ जावे, मील वालों को देगा हमारे पेमेंट नहीं करवा सकते हैं, अरे एक मजदूर की बात, मजदूर थोड़ा सा भाजपा में भी है, अन्य मजबूर मोमडन और वो सब जाति, यू मौर्या है इसकी गैल है, ये अपने वालों गैल है, मुसलमान गैल, हम अपने वालों गैल है, हम इनकी गैल हैं। गठबंधन भी हो रहा है? हाँ हाँ, नहीं हम हैं इनकी गैल, मुसलमानों की, मतलब भाई। तो इस बार बदल जाएगी हवा? हाँ। चलिए, हम उत्तर प्रदेश के जिला शामली में थे, और जिला शामली का ही मलंडी गांव था, जहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की, लोगों की अलग अलग राय है। जुड़े रहे CCA से, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद। ठीक है, पाजी का अर्थ है।